एनआईए हाजर हेले अख्तर हुसैन कुख्यात आतंकवादी नईम सह संपर्क नहीं अख्तर को जेरा कर एनआईए दुही को मुहांमुही जेरा करे एनआईए कहुच्छ कि पाकिस्तान लिंक जो एनआईए राडर में अच्छा अख्तर किंतु एनआईए अभियोग को खंडन कर अख्तर हुसैन उड़ीसा में कटक के रहने वाले अख्तर हुसैन खान को एनआईए ने नोटिस देकर एनआईए मुख्यालय में बुलाया। इस वक्त में मैं एनआईए मुख्यालय में हूं और यहां पर अख्तर हुसैन खान के बेटे हमारे साथ में हैं। आइए इनसे बात करते हैं। क्या आपका नाम है और क्यों नोटिस भेज के बुलाया गया है, पूछताछ के लिए बताइएगा। मेरा नाम इलियास खान है और पापा को पूछताछ के लिए बुलाया गया है यहाँ एनआईए ऑफिस में। तो पापा और मैं हम दोनों आए हैं ऑफिस में। पापा अंदर में है, पूछताछ चल रही है। पता नहीं पापा आएंगे तो वही बता सकते हैं कि क्या पूछे क्या नहीं। बस मैं भी उसी इंतजार में, पापा के इंतजार में ही बैठा हूँ क्या पूछताछ चल रही है क्या कर रहे हैं। इलियास, अभी तक जो कुछ जानकारी मिल पा रही थी कि पापा पाकिस्तान में उनके कोई फ्रेंड है, उनसे बातचीत करते थे, क्या क्या पूरा मामला है ये? मेरे पापा जब सऊदी में थे काम करते थे, तब उनके जो वहाँ पर रहने वाले एक होटल में एक आदमी थे जो चौधरी नाम के थे पाकिस्तान को, उनके साथ दोस्ती हो गई थी पापा की। तो उन्हीं के साथ वो अब जब घर चले गए हैं तो उन्हीं के साथ कांटेक्ट में बातचीत कर रहे थे। बस बात वही है कि दोस्त है, साथ में थे, वहाँ पे पहचान हो गया है, बस इतना ही बात है। तो उसी के बारे में पूछताछ कर रहे थे तो पापा ने वही बोला है कि बातचीत चल रही थी, वही है, वो पाकिस्तान में उनके दोस्त हैं बस। और जो उसके भाई की अगर बात करें तो उसके भाई की, जो आपके भाई हैं, वो भाई क्या करते हैं? मेरे जो बड़े भाई हैं अभी 2 साल नहीं हुआ है, जनवरी में 2 साल हो जाएगा, सऊदी में है, वो भी मैकेनिक का काम करते हैं कंपनी में बस। ठीक है, तो इस वक्त में जिस तरह से मामला निकल के आया है, ये उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि इस मामले पे पूछताछ चल रही है, पूछताछ के बाद ही आगे इस मामले पर चल पाए। बड़ी जर्नलिस्ट पहलाज सिंह के साथ शंकर आनंद, ETV News दिल्ली।